गौतम बुद्ध नगर जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ पर्चा भरने जिला मुख्यालय पहुंचे, लेकिन यहां दिलचस्प बात यह रही कि एक निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा भरने का अंदाज इतना अनोखा था कि उन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यह नजारा विधानसभा चुनाव के नामांकन स्थल का है। एक तरफ बीजेपी, SP, कांग्रेस समेत राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता पार्टी के एजेंडे को लेकर चुनाव के मैदान में उतरे हैं, तो वहीं एक ऐसा समाज भी है जो अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। उस समाज की आवाज क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में अपने समाज की आवाज बुलंद करने का जिम्मा उठाए देवीराम प्रजापति निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन देवीराम प्रजापति का पर्चा भरने का तरीका सबसे अलग देखने को मिला। दरअसल देवीराम प्रजापति अपने अनोखे अंदाज में दादरी विधानसभा क्षेत्र से गधे पर सवार होकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्हें देखने के लिए मुख्यालय में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद गधे पर बैठकर आए देवीराम प्रजापति ने दादरी सीट से नामांकन पत्र भरा। चल तेरे मर जाते हैं लोग, मर गए हैं लोग, कई कंपनियों का मैं उद्धार दे दूंगा, कई लोग मर गए हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं मिलता, फंड नहीं मिलता। इस मुद्दे का अहम मुद्दा हमारे सरकारी जो कंपनियां बंद हो जाती हैं और मजदूर लोग धक्का खा के केस लड़ लड़ के बेचारे मर जाते हैं, उसके बाद भी केस चल रहा है। इन मजदूरों को अगर हमारी राष्ट्रीय नौजवान दल उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है तो सबसे पहले जितनी फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश के अंदर बंद हैं और जिन मालिकों ने इनका पैसा रोक रखा है, उन मालिकों से हम पैसा दिलवाएंगे। वही अन्य सीटों की बात करें तो नोएडा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनील चौधरी ने भी पर्चा दाखिल किया। इस सीट से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। वहीं बात करें जेवर विधानसभा सीट की तो बीजेपी का दामन थामने वाले ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने आज पर्चा भरा। वहीं सपा से प्रत्याशी नरेंद्र नागर और RLD के उम्मीदवार कमल शर्मा ने भी जेवर विधानसभा सीट से आज नामांकन दाखिल किया। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, ऐसे में देखना बाकी है कि देवीराम प्रजापति की तरह ही और कोई प्रत्याशी अलग अंदाज में पर्चा दाखिल करने आता है या नहीं। देखते रहिए DB Live।